हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जैसा कि मैं बताने वाला हूँ स्लीप मोड और हाइबर नेट के बारे में। तो चलिए देखते हैं, ये अक्सर विंडोज 10 आपका जो अपडेट वर्जन आया है वो हाइबर नेट को डिसेबल ही किए रहता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ अपने में कि इनेबल है कि डिसीजन डिसेबल। यहाँ पर देखिए, ये है डिसेबल, यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा। तो ये आजकल विंडोज 10 में अक्सर ये डिसेबल ही रहता है। चलिए बताते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, स्लीप मोड और हाइबरनेट में। लोग अक्सर कहते हैं कि हाइबरनेट में रख दो या स्लीप मोड पे रख दो, स्लीप मोड और हाइबरनेट का डिफरेंस क्या है। तो स्लीप मोड क्या करता है, जैसे ही आप स्लीप मोड में रखते हो अपने लैपटॉप को, वो सारे डेटा क्या करता है कि अपने रैम में सेव्ड करता है। तो सेम सेव सेव जो डेटा करता है वो ये हाइबरनेट भी करता है, लेकिन वो क्या करता है कि हार्ड डिस्क में सेव करता है। और बैटरी एफिशिएंसी बिल्कुल पावर ऑफ की तरह होती है, कि कोई भी बैटरी एफिशिएंसी वो उसको कोई नहीं देता, कोई भी खर्च नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो विंडोज 10 में। सबसे पहले क्या आप रन कमांड में विंडो पावर CFG इसको ओके किए, यहाँ पे गए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज सेटिंग दैट्स द करंटली अनअवेलेबल, यहाँ आप सेट किए और ये देखिए यहाँ क्लिक कर दीजिए हाइबरनेट और सेव कर दीजिए। ये कट किए, सेव्ड हो गया हमारा हाइबरनेट। अब यहाँ पे देखिए वो दिखाने लगेगा, ये देखिए हाइबरनेट शो करने लगा ना हाइबरनेट। अब ये हुआ, आप स्लीप मोड को छोड़ के हाइबरनेट में भी कर सकते हो। तो कैसा लगा आपका वीडियो, लाइक करो और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।